साथ साथ महाभारत की भी रचना वेदव्यास जी ने की है। तो अब इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे अर्जुन अलग लेवल के हैं भाई। फिर जो महाभारत में एक डायलॉग आता है भीष्म पितामह जी के, अर्जुन फिर अर्जुन वाला, तो वही बात है, सच्चाई है बिल्कुल, क्योंकि अर्जुन उसमें अलग ही है। अब टीवी सीरियल में अर्जुन को 1% भी नहीं दिखाया गया है, वही बात है कि अर्जुन उसमें अलग ही लेवल का है। तो चलिए हम बात करें डायरेक्ट कर्ण वर्सेस अर्जुन की। तो कर्ण वर्सेस अर्जुन की आप युद्ध की बात करेंगे तो आप तो बहुत सारे वीडियो देख ही चुके होंगे जहाँ विराट युद्ध में कर्ण फिर भागता है, जहाँ गंधर्वों के युद्ध में फिर कर्ण भाग जाता है, अर्जुन वहाँ फिर से दुर्योधन को बचाने आते हैं, वही द्रौपदी स्वयंवर में कई लोग कहते हैं धनुष को प्रत्यंचा तक नहीं चढ़ा पाया था कर्ण, कई लोग कहते हैं कि सूत्रपुत्र करके उसको जो है रख दिया गया था जबकि वो भेज सकता लक्ष्य। तो ऐसे ऐसे कंपैरिजन जो है आपको मिलते हैं देखने के लिए। वहीं अगर आगे के युद्ध की बात करें तब जो है द्रुपद पांचाले, तो द्रुपद से युद्ध की बात आती है जब गुरु दक्षिणा में द्रोण मांगते हैं पांडवों से और कौरवों से, तो कर्ण भी जाता है दुर्योधन के साथ में, तब वो पराजित होकर आता है। सोचिए दृष्टद्युम्न और द्रुपद जो है मार मार के उन्हें जो है पीछे भागने के लिए जो मजबूत कर देते हैं, और वहीं जब पांडव जाते हैं तो द्रुपद को जो है बंदी बना के आचार्य द्रोण के सामने वो जो उपस्थित करते हैं। इस प्रकार से अर्जुन और पांडव का द्रोण के नज़र में और आज और इसके अलावा महाराजा द्रुपद दोनों के नज़र में जो ऊपर होता है, इसलिए तो द्रौपदी के साथ विवाह अर्जुन के साथ हुआ सुनते हैं वो तो प्रसन्न हो जाते हैं कि कम से कम वो पांडवों के कुल में गई है। इसके बाद आगे का प्रसंग आता है जयद्रथ वध। जयद्रथ वध फिर से एक बार जो है पूरी कौरव सेना थी, जहाँ पे पितामह भीष्म तो पहले शैया में लेट चुके थे, लेकिन उसके अलावा पूरी की पूरी कौरव सेना से अकेले अर्जुन भिड़ते हैं उस दिन, और उस दिन भी कर्ण होता है जहाँ कर्ण को 2-3 बार वह परास्त करते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं और जयद्रथ का वध करते हैं। तो इस प्रकार से आप सोच सकते हैं कि अर्जुन किस प्रकार के योद्धा थे, जहाँ एक तरफ पूरी कौरव सेना थी और वहीं एक तरफ जो है अकेले अर्जुन थे। तो उसी प्रकार से आप कहीं भी जो है कर्ण और अर्जुन का कंपेरिजन कर ही नहीं सकते भाई। बोलते हैं ना कि कर्ण को तो सब छल से मारा गया, छल से हराया गया। अच्छा, छल से हराया गया। कर्ण को जो परिवार मिला था अधिरथ का, वो भी एक संपन्न परिवार था। कर्ण को जो मित्र मिला था दुर्योधन, वो भी संपन्न था। कर्ण को जो राज मिला था अंग का राज, वो भी संपन्नशील था। और पांडव के साथ पांडव जो जन्म में थे तो पांडव की मृत्यु हो जाती है, अर्थात उनके पिता शिष्य वो विहीन हो जाते हैं, तब वो जंगल में थे। उसके बाद हस्तिनापुर आता है तब भी उन्हें अपनों जैसे व्यवहार नहीं मिलता। उसके पश्चात भी जब लाक्षाग्रह की बात आती है तब भी उन्हें वनवास में जाना पड़ता है। इसके अलावा जब वो द्रौपदी से विवाह करते हैं तब भी वो जो है ब्राह्मण के भेष में होते हैं। उसके पश्चात जब हस्तिनापुर आते हैं फिर से द्यूत क्रीड़ा होती है, फिर वो वन में जाते हैं। उसके पश्चात उन्हें हस्तिनापुर दिया जाता है, तब अज्ञातवास भी करते हैं वो 1 साल का। तो सोचिए आप किस प्रकार से जो है कर्ण जो है दुखी था भाई। वो राजपाट में था अपने, उसके पास क्या चीज़ की कमी थी? उसके पास रानियों की कमी नहीं थी, उसके पास लोग, उसके पास जो है सुख संपत्ति की कमी नहीं थी। वही पांडव जो है केवल और केवल वन में वनवासी की तरह निवास कर रहे थे। सोचिए उसके बाद भी योगस्थ बुद्धि रखने वाले थे अर्जुन। मैं एक बार आपको कंपेरिजन करके दिखाता हूँ, कर्ण वर्सेस अर्जुन की बात हो रही है ना। तो कर्ण वही जिसने जो है भरी सभा में हमारी जो है याज्ञसेनी हमारी माता द्रौपदी को वैश्या कहा था, ठीक है। वो कहते हैं कि इस वैश्या की तरह होती है क्योंकि एक पति के अलावा इसके कई सारे पति हैं, तो ये वैश्या ही कहलानी चाहिए। और ये भी कहते हैं कि इस दरबार में ये जो है निर्वस्त्र लाई जाती तो भी इसका जो है कोई शोभा या अशोभा या फिर मान भंग नहीं होता क्योंकि ये वैश्या है। इस तरह से संबोधित करते हैं माता द्रौपदी को। और द्रौपदी जी के चरित्र को आप महाभारत टीवी सीरियल से कंपेरिजन मत कीजिएगा, आप एक बार महाभारत पढ़ के देखिए। वहाँ जो माता द्रौपदी है स्वर्गुण संपन्न नारी की जो होता है ना उदाहरण, वो है माता द्रौपदी। इसीलिए उनको याज्ञसेनी कहा जाता है, इसीलिए उसको कृष्ण अपनी सखी मानते हैं, उनकी अपनी बहन मानते हैं। तो इस प्रकार से सर्वश्रेष्ठ गुरु संपन्न थी माता द्रौपदी। और अर्जुन की बात करें, आपको एक प्रसंग याद होगा ना मेनका और विश्वामित्र जी का, जहाँ पे जो है मेनका उनकी तपस्या भंग करने आती है जब इंद्र का सिंहासन हिलने लगता है, तब और विश्वामित्र जी की तपस्या भंग हो जाती है, तब दोनों का जो है संयोग से किसका जन्म होता है? शाकुंतला का, जो कि हमारे दुष्यंत जो राजा थे उनकी पत्नी होती, उनके पुत्र होते महाराजा भरत, जो कि आगे चल के जिनके नाम पे भारत पड़ा है हमारे देश का, ये कहा जाता है। तो सोचे विश्वामित्र जैसे तपस्वी की तपस्या भंग करती है मेनका। और वहीं रंभा, मेनका, उर्वशी, ये तीनों जो है अप्सराएं स्वर्ग के, उनमें सबसे सुंदर कहा गया उर्वशी को। और वही थी जब अर्जुन गए थे स्वर्ग में, जब अर्जुन स्वर्ग में जाते हैं पाशुपतास्त्र प्राप्त करने के बाद महादेव के साथ युद्ध करने के बाद, तब वो इंद्र के पास सभा में बैठे होते हैं, तब उर्वशी जो है अपने नृत्य कलाओं का जो प्रदर्शन कर रहे होते, तब वो जो अर्जुन पर मोहित होती है ना, अर्जुन उन पर मोहित नहीं होते, अर्जुन पर वो मोहित होती है। उसके पश्चात वो जो है संयोग करने के हेतु उनके साथ जो है क्रीड़ा करने हेतु उन्हें जो है निवेदन करते, तब अर्जुन कहते हैं उनके माता का क्या संबोधन देते हैं, अर्जुन माता कहते हैं। सोचिए आप उनके योगस्थ बुद्धि को, उनके ब्रह्मचर्य को आप वहाँ पे सोच के देखिए कैसे उनकी मनोदशा होगी कि उनको माता कहते हैं। स्वर्ग की संसार की सबसे सुंदर कन्याओं में से एक उर्वशी उनको जो है प्रलोभन दे रही, आइए मेरे साथ जो है प्रलोभन कीजिए, क्रीड़ा कीजिए, कुछ भी आप समझ सकते हैं अपने शब्दों में उसको क्या कहना चाहिए। तो इस प्रकार से वो जो उनको माता का संबोधन देते, तब उर्वशी उनसे रुष्ट होकर जो है उनको श्राप देती कि तुम नपुंसक हो जाओ। तब वो अर्जुन कि तुम जीवन भर के लिए नपुंसक हो जाओ। तब इंद्र उनको जो है वरदान के रूप में कहते हैं कि केवल आपको 1 वर्ष के लिए जो है नपुंसक रहना पड़ेगा, अर्थात
अर्जुन के लिए जो उनका जो श्राप था वो भी वरदान सिद्ध होता है अज्ञातवास में, जब वो वृहंडला बनते हैं। और वही कर्ण के लिए जो श्राप था वो वरदान एक तरह था कि वो परशुराम जी के शिष्य थे, वो श्राप बनता है क्योंकि उन्होंने झूठ बोला था। इस प्रकार से आप कंपेरिजन कर सकते हैं। लेकिन आप सोचिए योगस्थ बुद्धि को देखिए अर्जुन की, कि विश्वामित्र जैसे जो है तपस्वी जो है वो जो है भटक जाते हैं, उनकी तपस्या भंग हो जाती है मेनका के चक्कर में, लेकिन वहीं अर्जुन सबसे सुंदर अप्सरा स्वर्ग की उर्वशी उनके सामने भी वो जो है अचंभित या फिर जो है मोहित नहीं होते, और अपने योगस्थ बुद्धि और जो है अपने जो ब्रह्मचर्य पे जो है वहाँ पे जो है संयम रखते हैं। सोचिए नर नारायण का अवतार इसीलिए नहीं कहा जाता, अर्थात कृष्ण जैसे हैं वैसे अर्जुन भी थे। आप एक तरह तुलना करके देख सकते हैं। जहाँ प्रेमानंद जी का आप ये संवाद सुन सकते हैं, महादेव और अर्जुन के बीच युद्ध हुए तो क्या हुआ। इस अर्जुन जी भगवान नर नारायण का अवतार है, भगवान शंकर को भुजाओं से युद्ध में तृप्त कर दिया। किरात वेश में जब भगवान शंकर आए तो गांडीव भी लील गए, तूणीर के सारे बाण समा गए भगवान किरात में। तब फिर जो बाहु युद्ध हुआ तब भगवान शंकर ने कहा, मैं प्रसन्न हुआ किरीटधारी अर्जुन, विश्व में दूसरा कोई नहीं जो मुझसे बाहु युद्ध कर सके, देवाधिदेव महादेव। तब पाशुपतास्त्र दिया अर्जुन कि समानता इस विश्व में कोई दूसरा है ही नहीं। जैसे जब स्वर्ग लोक गए तो इंद्र के सिंहासन पर आधे पे अर्जुन बैठे थे, आधे पे देवराज इंद्र। जिस समय उर्वशी जी नृत्यांगना बनकर के आई तो अर्जुन के रूप को ही देखती रह गई। उर्वशी जी काम भावना का आवाहन करे और विश्व में कोई ऋषि मुनि अर्जुन के अलावा की बात कर रहा हूं, वो मूर्छित ना हो जाए, वो अपने स्थिति से डिग न जाए, कोई बिरला ऐसा होगा जिसे भगवान रख। इस प्रकार से बातें करने के लिए बहुत सारे हैं कर्ण और अर्जुन के टॉपिक पे, लेकिन हम केवल एक समरी दिए हैं आपको कि अर्जुन और कर्ण का कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता था। कर्ण उनके बड़े भ्राता थे, पांचों पांडवों में सबसे बड़े थे, तो छठवें पुत्र थे, कुंती के सूर्य पुत्र थे, बिल्कुल सही थे। लेकिन वही बात है, जब सच्चाई की बात आती है ना यार, तो यहाँ पे पक्षपात नहीं करना चाहिए, आपको केवल और केवल धर्म के साथ चलना चाहिए, और धर्म जहाँ थे वही कृष्ण थे। इसीलिए कहते हैं यतो धर्म ततो कृष्ण, यतो कृष्ण ततो जया। तो इस प्रकार से जहाँ धर्म है वही कृष्ण है, और जहाँ कृष्ण वही जय है, ये योगेश्वर श्री कृष्ण और अर्जुन के लिए जो है संजय भी कहते हैं धृतराष्ट्र, जब गीता का जो है पूर्णता जो समापन होता है उस टाइम पे। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कर्ण वर्सेस अर्जुन में जो है कंपैरिजन, और आगे भी आप कई सारे वीडियो देखे होंगे, मैंने तो एक छोटा सा समरी दिया आपको। बाकी आपने कल की में क्या देखा, आपको अच्छा लगाने लगा, आप क्या कर्ण भक्त हैं, क्या आप अर्जुन के फैन हैं, आप क्या कैसे मानते हैं, अवश्य बताइएगा। महाभारत में कौन सा करेक्टर आपको पसंद है। जय श्री राम, हर हर महादेव।